हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गार्ड लाइट। सो ये है मर्सिडीज बेंज जी क्लास यानी कि जी वैगन G63 AMG 4MATIC एंड आज हम बात करने वाले हैं इसके टॉप फीचर्स के बारे में, क्या क्या ये टॉप फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस परफॉर्मेंस SUV में। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग द बेल आइकन। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फीचर। सो यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस फुल LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो हेडलैम्प दिए गए हैं दे हैव अडैप्टिव फंक्शन। सो जब आप कार को स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे यहाँ पे पार्टी ट्रिक आपको मिलती है। बेसिकली ये जो हेडलैम्प है ये आगे आने वाली रोड्स को ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं एंड उस हिसाब से ये हेडलैम्प जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं अपनी बीम को। और फॉर एग्जाम्पल कोई अप्रोचिंग वहाँ पे ड्राइवर आ रहा है या कोई पर्सन आ रहा है तो ये हेडलैम्प की बीम अपने आप लो हो जाएगी ताकि जो उसकी आईज है उसको ब्लाइंड ना कर सके। सो दे आर ब्रिलियंट हेडलैम्प एंड दे आर सुपर इंटेलिजेंट एज वेल। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। सो जी क्लास बेसिकली दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 350D 4MATIC एंड G63 AMG 4MATIC। ये है G63 AMG 4MATIC। सिंस ये AMG है तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल थिंग्स मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको AMG ग्रिल मिलेगी, साथ में यहाँ पे आपको AMG की बैजिंग मिलती है ऑन द ग्रिल। यहाँ पे बिगर 21 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे ब्रेक कैलिपर पे आपको AMG की बैजिंग मिलती है, अलॉय व्हील्स पे आपको AMG की बैजिंग मिलेगी एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी AMG की बैजिंग दी गई है। फर्दर मोर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एग्जॉस्ट टेल पाइप्स विद अगेन AMG बैजिंग एंड यहाँ पे आपको 4 एग्जॉस्ट टेल पाइप्स मिलती है, दो साइड दी गई है, दो साइड आपको मिलेगी एंड इसी के साथ AMG ट्रिम में और भी कहीं एडिशनल थिंग्स मिल जाती है जैसे कि AMG स्टील प्लेट्स मिलेगी एंड देन दी स्टनिंग लुकिंग रेड सीट बेल्ट्स। यहाँ पे सीट्स पे भी आपको AMG का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको AMG की बैजिंग मिल जाएगी, साथ में जो AMG का इंजन दिया गया दैट इज ऑल्सो इंटायरली डिफरेंट। एंड दोस्तों जी वैगन बहुत ही सॉलिडली बिल्ट अप है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करा गया है, साथ में जो स्टील की थिकनेस है वो भी आपको काफ़ी हाई मिलती है एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं फ्रॉम इट्स डोर्स। सो डोर्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लोज, सो अभी भी ये क्लोज नहीं है एंड देन ये अब क्लोज है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लोज द डोर्स। बहुत ही हैवीली एंड बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पे बिल्ट क्वालिटी दी गई है। और जी वैगन बहुत ही कैपेबल व्हीकल है, मोस्ट कैपेबल ऑफ रोड व्हीकल है, किसी भी टाइप की रोड्स को किसी भी टाइप की टेरेन्स को ये हैंडल कर सकती है। यहाँ पे स्पेशल आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं, 700mm की आपको वाटर वेटिंग मिलती है एंड फर्दर मोर यहाँ पे बहुत ही हाई अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल दिए गए हैं, देर आर डिफरेंट ड्राइव मोड्स ऑल्सो, सो डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स जैसे कि स्नो मर्ड सैंड किसी भी टाइप की रोड्स को हैंडल कर सकती है। एंड ऑफ रोड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंशियल लॉक भी मिलते हैं डिफरेंट टाइप के। सो यहाँ पे फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, सेंटर डिफरेंशियल लॉक एंड रियर डिफरेंशियल लॉक अवेलेबल है। सो जहाँ पे भी जो भी टायर्स ने ट्रैक्शन लूज करी है वहाँ पे आप डिफरेंशियल लॉक लगा सकते हैं एंड यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट ऑफ रोड सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं एंड यहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, 9 ईयर बैग्स, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट अप गाइस यहाँ पे आप जी वैगन का कैबिन देखेंगे तो कैबिन इज एक्सट्रीमली रिमार्केबल, बहुत ही यहाँ पे डिफरेंटली कैबिन को डिज़ाइन करा गया है, एक्सलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है एंड दिस रेड लेदर सीट अपहोल्स्ट्री इज वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड जी वैगन इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ आर्ट फीचर्स मिलते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। एंड यहाँ पे जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, अभी कंफर्ट मोड में है, दिस इज ऑन स्पोर्ट प्लस मोड। सो हियर दिस साउंड गाइस, ओह माय गॉड। एंड नेक्स्ट अप गाइस यहाँ पे आपको AMG स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे ये जो तो कंट्रोल्स दिए गए हैं दे आर एक्स्ट्रा कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड जी क्लास G350D एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट के मोड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं बिटवीन द स्पोर्ट मोड एंड कम्फर्ट मोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो जाता है। सो ये बैलेंस मोड में आ जाता है या फिर पावरफुल मोड, यहाँ पे दो मोड हमें मिलते हैं, बैलेंस्ड एंड पावरफुल। यहाँ पे हम जो
AMG डायनामिक्स है उसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ पे आप और भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है उसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन ट्रैक्शन कंट्रोल का हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जो यहाँ पे सस्पेंशन है वो भी कंफर्ट मोड में, हम इसे स्पोर्ट मोड में या फिर स्पोर्ट प्लस मोड में कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो भी एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सी लिखा हुआ है मींस कंफर्ट। देन यहाँ पे इंडिविजुअल मोड जिसमें हम सारी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील को अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स, पावर, साथ में जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो सब हम इंडिविजुअल मोड में कॉन्फिगर कर सकते हैं कम्प्लीटली। एंड देन यहाँ पे कम्फर्ट मोड आ जाता है, स्पोर्ट मोड आ जाता है, स्पोर्ट प्लस मोड। सो ये सारे यहाँ पे मोड्स अवेलेबल हैं गाइस, एंड दिस इज सुपर हैंडी। आपको यहाँ पे इवन स्लिपरी मोड भी मिलेगा। सो दिस इज स्लिपरी मोड, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम मोड चेंज करेंगे वैसे यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स भी हमें बताते हैं। एंड G63 AMG में आपको कुछ ऐसी AMG कीज मिलती हैं जिसमें आपको यहाँ पे भी कुछ बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे AMG का लोगो मिलता है। जो स्टैंडर्ड कीज है वहाँ पे आपको AMG की बैजिंग नहीं मिलती। एंड नेक्स्ट अप गाइस, जी वैगन में दोनों वेरिएंट्स में आपको बर्मेस्टर स्पीकर्स मिल जाते हैं विच साउंड्स क्रेजी। यहाँ पे ये जो साउंड क्वालिटी डिलीवर करते हैं दैट इज ट्रूली इम्प्रेसिव। तो गाइज यहाँ पे जो जी वैगन का आपको ग्लास मिलता है, जो ओवरऑल ग्लास एरिया यहाँ पे दिया गया है, जब यहाँ पे आप इसको पावर विंडो को क्लोज करते हैं देन यू कैन हियर, यहाँ पे कैबिन इंसुलेशन यहाँ पे टॉप क्लास अवेलेबल है। दिस ग्लास इज लाइक रियली शट ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। यहाँ पे आपको डेड साइलेंट कैबिन मिलता है। एंड गाइज जब हम यहाँ पे कार को लॉक एंड अनलॉक करते हैं यू कैन हियर द साउंड। सो यहाँ पे जो साउंड आती है इट्स लाइक अ बुलेट शॉट और गन शॉट्स लाइक साउंड एंड इट फील्स अमेजिंग ऑल्सो। एंड जैसे आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम को या फिर कार को टर्न ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे AMG की बैजिंग मिल जाएगी। एंड दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज रियली वेरी नाइस। यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड इधर से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा दी गई है। जो ये 3 कंट्रोल्स हैं इधर से हम कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को, इन 3 कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं दिस। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे जो दिया गया दैट इज़ रियली इंप्रेसिव। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है, इट इज़ सुपर स्मूथ सिस्टम। यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी गाइज मिल जाती है। सो कार को हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं फ्रॉम द स्मार्टफोन इटसेल्फ। और यहाँ पे आपको जियो फेंसिंग, स्पीड अलर्ट, काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं ओवरऑल पूरे इस पैनल के। सो स्पोर्ट यहाँ पे आपको क्लासिक, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन भी चेंज हो गई है कम्प्लीटली। देन प्रोग्रेसिव, तो ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ऑल्सो जी वैगन में आपको काफ़ी सारे पैकेजेस मिलते हैं, जी मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आप काफ़ी कुछ ऐड भी करवा सकते हैं, बाद में अलॉयस चेंज करवा सकते हैं, इंटीरियर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं एंड सो ऑन। एंड इसी के साथ जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको मिलती है जी वैगन में हीटेड, कूल्ड एज वेल एज मसाज सीट्स। एंड जो रियर सीट्स दी गई है वो आपको मिलती है सिर्फ हीटेड। सो यहाँ पे काफ़ी सारे गाइस फीचर्स ओवरऑल अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट अप गाइज, दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे डिस्प्ले करता है, हम यहीं से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट आपका जो ड्राइव मोड सिलेक्टेड है उसमें सस्पेंशन कैसा है, एग्जॉस्ट कैसा है, उसकी भी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है। जी मीटर अवेलेबल है, इवन लैब भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अदर डिटेल्स आपको मिल जाती है, रियल टाइम पावर, टॉक फिगर्स एंड ऑयल टेम्परेचर, TPMS एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको व्हीकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, व्हीकल डेटा मिलेगा, साथ में ट्रिप इंफॉर्मेशन मिलती है, नेविगेशन ये शो करेगा, मीडिया इंफॉर्मेशन भी शो करता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, क्लासिक डिज़ाइन एंड देन दिस इज प्रोग्रेसिव डिज़ाइन एंड सो ऑन। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज रियली वेरी नाइस, वेरी फंक्शनल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। ऑल्सो जी वैगन में यहाँ पे अवेलेबल है ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम। सो कार ऑटोमेटिकली पार्किंग स्लॉट ढूंढेगी, आपको स्टीयरिंग मैनूवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली मैनूवर होगा एंड कार ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी। सो कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे आपको टन्स ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं।
सो ये थी मर्सिडीज बेंज जी वैगन यानी कि जी क्लास G63 AMG 4MATIC। तो ये गाइज यहाँ पे आपको टॉप क्लास यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं।